अग्निपथ स्कीम पर मचे घमासान के बीच केंद्र सरकार ने बिहार भाजपा के दर्जन भर नेताओं को वाई श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की है। इनमें से एक नाम पूर्णिया के सदर विधायक विजय खेमका का भी है। अब विधायक के साथ सीआरपीएफ की टुकड़ी भी उनकी सुरक्षा में लगी है। दरअसल अग्निपथ के विरोध को लेकर भाजपा नेता व कार्यालयों पर हो रहे हमले को देखते हुए बिहार के 12 भाजपाई नेताओं को वाई श्रेणी की सुरक्षा दी गई है, जिसमें पूर्णिया के सदर विधायक विजय खेमका का भी नाम शामिल था। सदर विधायक विजय खेमका ने बताया कि उन्हें भी यह वाई श्रेणी की सुरक्षा मुहैया कराई गई है। 19 जून को गृह मंत्रालय द्वारा इसकी सूचना उन्हें मिली। कुल 14 आरपीएफ के जवान और अधिकारी उनकी सुरक्षा में तैनात किए गए हैं। विधायक ने सरकार की अग्निपथ स्कीम पर कहा कि युवाओं के लिए बहुत अच्छी योजना है, इससे युवाओं का भविष्य सुधरेगा, लेकिन कुछ उपद्रवी तत्व बहकावे में आकर तोड़फोड़ और हंगामा कर रहे हैं। इसके लिए सरकार ने भाजपा के नेताओं को वाई श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की है, जिसमें विजय खेमका का भी नाम शामिल है। आप देख रहे हैं SGN न्यूज़, की बात आपके साथ। कोई स्थान नहीं है और इन सारे चीजों को देखते हुए जो है मुझे भी जो है भारत सरकार के द्वारा जो है सुरक्षा मुहैया करवाई गई है और उसमें सीआरपीएफ के जवान जो हैं वो कल मेरे पास आए हैं और इसी दृष्टिकोण से जो है सीआरपीएफ जो है सिक्योरिटी कवर मुझे दिया गया है। क्या वाई श्रेणी की सुरक्षा है? वाई श्रेणी की सुरक्षा है, जिसमें कि 14 जवान हैं और 3 और हैं, तो मैंने लगभग 17 जवान जो है उसमें सुरक्षा के दृष्टिकोण से आए। बिहार में कितने नेताओं की सुरक्षा से जुड़ी है? सांसद विधायक को ये सुरक्षा दी गई है और निश्चित रूप से जो 3 दिन से जो स्थिति बनी, जिसमें कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद और विधायकों को ही टारगेट किया गया, हमारे जो जिला के कार्यालय हैं उनको टारगेट किया गया, आप देखे होंगे मधेपुरा कार्यालय में तोड़फोड़ की गई और उसे जलाने का काम किया गया, नवादा के भी बीजेपी कार्यालय को तोड़ा गया है, हमारे प्रदेश के जो उपाध्यक्ष हमारे अध्यक्ष हैं और सांसद हैं आदरणीय संजय जायसवाल जी, उनके निवास पर हमला हुआ, डिप्टी सीएम रेणु देवी जी जो हैं उनके निवास पर हमला हुआ, हमारे विधायक जो जो गुप्ता जी हैं सीएन गुप्ता जी उन पर हमला हुआ, अरुणा देवी पर हमला हुआ, विनय बिहारी पर हमला हुआ। इस दृष्टिकोण से जो वातावरण बना हुआ था उस दृष्टिकोण से जो है भारत सरकार के गृह विभाग ने सुरक्षा देने का काम किया। क्या लग रहा है, कुछ खतरा भी आपको भी ऐसा खतरा लग रहा है? देखिए तो मैं नहीं कर सकता हूँ इसलिए करके कि कोई इनपुट जो है होम मिनिस्ट्री को मिला होगा या भारत सरकार उसकी